जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, पता है ना सबको क्यों एकत्रित हुए हैं यहाँ पे? आज का दिन हमारे भारत के लिए, हमारे झारखंड या पूरा संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम लोग क्या है कि दो तीन त्यौहार को एक ही साथ हम लोग आज मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि कल 14 नवंबर था, यानी बाल दिवस, उसको हम लोग नहीं मनाए थे, ठीक है? हम लोग ट्यूशन में नहीं मनाए थे बाल दिवस। क्यों नहीं मनाए थे? क्योंकि तुम लोग जान सकती है, पहचान सकती है, दो दो महापुरुष हैं हमारे बीच। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग तीनों महापुरुष का एक ही साथ, मतलब तीन गो जो फेस्टिवल हम लोग एक ही साथ क्यों ना मनाएं, ठीक है? तो आज का दिन हम लोग क्या मनाएंगे? कल 14 नवंबर था, तो आज हम लोग चिल्ड्रन डे मनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल दिवस, ठीक है? और आज का ही दिन हमारा जो झारखंड है, झारखंड का स्थापना दिवस है। और उसके बाद 15 नवंबर को ही हमारे राज्य यानी झारखंड के बहुत ही महान क्रांतिकारी नेता जो थे, बिरसा मुंडा, आज ही का दिन उनका जन्मदिन हुआ था, तो उनके जयंती को भी हम लोग मनाएंगे आज, बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और आप सभी को संख्या देख के मुझे भी प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग आज भी कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे गांव हैं, शहर है, और इस शिक्षा कहीं भी मतलब छुपा हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग दिखाने के लिए, और ये जो हमारे महापुरुष जो हम लोगों के लिए आज इतना कुछ किए हैं, तो उन सभी को आज श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो सभी शांति बना के सुनिए, सुनिएगा ना। एवं प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि किस लिए उपस्थित हुए हैं, तो उपस्थित होने का कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज हम लोग तीन फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। क्या क्या है? जैसे कि हम लोग जान रहे थे कि कल था 14 नवंबर, लेकिन हम लोग 14 नवंबर को नहीं मना के, बाल दिवस नहीं मनाने के कारण आज के दिन, आज 15 नवंबर है, आज हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो आज इसलिए मनाने जा रहे हैं क्योंकि आज ही का दिन 15 नवंबर को हमारे देश भारत में झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। और दूसरा, में आप लोग जानते हैं कि 15 नवंबर के ही दिन क्या हुआ था कि जो कि बिरसा मुंडा, जो हमारे राज्य के, हमारे झारखंड के जो भगवान गिने जाते हैं, उनका, उन महापुरुषों का आज ही के दिन में उनका जन्मदिन हुआ। ऐसे क्रांतिकारी थे जो हमारे देश भारत में अंग्रेजों को छुड़ाने में अपना अहम भूमिका निभाए थे। लेकिन आज हम लोग यह जो आजादी जो मिली है, उस आजादी को हम लोग इस तरह से बिता रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग एक जरा सा भी, थोड़ा सा भी मतलब पता नहीं चलता है कि हम लोग ये जो आजादी, जो ये स्वतंत्र हम लोग अपना जीवन जो इस प्रकार से जी रहे हैं, वो जीने का जो हम लोगों को फ्रीडम जो मिला है, किनके वजह से मिला है? तो ये यही इन महापुरुषों के कारण जो मिला होगा। तो आज हम लोग उन्हीं के यादों में आज का दिन हम लोग इतना खास दिन हम लोगों के लिए है, और इतना धूमधाम से मनाते देते हुए उन वीरों को याद करते हैं। तो अभी हम लोग इन्हीं दो महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए अर्पित करेंगे अपने आप को, या प्रार्थना करेंगे कि हमें भी इन वीरों की तरह हमें कुछ अपने देश के लिए कुछ करना होगा, और अपने देश के लिए लड़ना होगा। सिर्फ हमें अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है, कि दूसरे किस कष्ट में रहते हैं, हमको उस कष्ट को निवारण करना है। तो आप यहाँ पहचान सकते हैं, देखिए, ये जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये इतना, इनका दिन इतना महान था कि ये जो थे, अपना जो जन्मदिन था, अपने जन्मदिन को ये बच्चों के प्रति अपना ये लगाव इतना रख दिए थे कि अपना जन्मदिन को उनके नाम कर दिए। तो हम लोग आज जो 14 नवंबर को जो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इन्हीं के कारण आज हम लोग मना रहे हैं। ये बच्चों से इतना प्यार करते थे कि उनकी शिक्षा हो गया या फिर और भी किसी तरह की समस्याएं हो गई, तो उनके लिए तुरंत खड़ा उतरते थे और तुरंत ही उसका उस समस्या को सॉल्व कर देते थे। और यहाँ हम लोग अभी बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा जी की, तो
तो ये जो हमारे झारखंड राज्य के बिरसा जो मुंडा थे, ये हमारे देश के ही नहीं पूरे संसार में इनको जानते हैं। ये हमारा हमारे देश का बहुत ही महान नेता, हमारे झारखंड के जो इतना आदिवासी के लिए इतना सारा कुछ किया है कि हम लोग अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं को, इन महापुरुषों को हमें याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, अब देखिए हम लोग आज हम लोग 3 दिवस को मना रहे हैं। एक हो गया बिरसा मुंडा जयंती, ठीक है, और दूसरा में बाल दिवस एवं झारखंड स्थापना दिवस। यहाँ लिखे हैं 15 नवंबर 2022, यानी हम लोग 15 नवंबर को यह मना रहे हैं। और आपको जानते हैं बाल दिवस जो होता है 14 नवंबर को होता है, लेकिन हम आप लोग को बता दिए पहले ही कि हम लोग ये सब इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम लोग साथ में एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, ठीक है। तो आज हम लोग, आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ यहां पे इन महापुरुषों को दिल से नमन करेंगे और श्रद्धांजलि देते हुए इनका जो ये हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, हमारे राज्य के लिए जो किए हैं, हमारे झारखंड में रहने वाले सारे नागरिक के लिए इतना जो अहम भूमिका निभाया है, तो इनके लिए हम लोग तो साल में एक बार कम से कम दिल से नमन करना ही चाहिए, श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो चलिए मैं ज्यादा अपनी वाणी को नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। शब्दों के साथ मैं अपने बड़े भैया को देते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग श्रद्धांजलि इन महापुरुषों को देते हैं। सभी देंगे ना, ठीक है। जानता है वो यहाँ पे आज बाल दिवस का मतलब क्या है, बाल बच्चा सब एकदम बिंदास रहेगा, कोई एकदम खुशी एकदम मन से करेगा, ठीक है। उस तरह का अपना एक्टिविटी अगर इच्छा रखता है तो एक्टिविटी करेगा, उसके बाद एक एक करके हम लोग देंगे। और जो लोग पिछला 2 दिन से तुम लोग टेस्ट लिखा था ना सर, टेस्ट में तुम लोग का जो कॉपी भी वितरण किया जाएगा, जो बच्चे बढ़िया लाए हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और जो बच्चे नहीं भी लाए हैं उनको भी प्रोत्साहन किया जाएगा कि हम लोग पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई हम लोग क्यों करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग एक एक करके आओगे और कुछ कुछ एक एक करके आओ, कुछ कुछ एक्टिविटी भी करो, ठीक है। चलो आओ इधर साइड। और इनका रिजल्ट जो है 55% लाए हैं, 56%।
जोर से ताली बाबू की। नेहा कुमारी नहीं आई है, क्या है? आ जाओ। चलो बहुत अच्छा, 86% लाए हैं, वेरी गुड एक्सीलेंट है। वंश बेदिया है, कहाँ है वंश बेदिया? आर्य बेदिया नहीं आया, अभी नहीं आया है। आफिया खातून, आफिया खातून तीसरे क्लास। चलो इन्होंने भी बहुत अच्छा 76% लाया है। बहुत अच्छा है, 80% लाई है। अश्विनी कुमारी ये भी बहुत अच्छा है, 69% से लाई है।
लोग को टेस्ट कॉपी मिल गया, ट्रॉफी भी मिल गया, ओके, और तुम लोग पुरस्कार जो भी पेंसिल पेन या फिर रबर मिला, ठीक है। इसको तुम लोग छोटा मोटा ना समझना कि हमको 1 रुपया मिला है, हमको 5 रुपया मिला, इसका नहीं समझना, हमको 2 ही रुपया मिलता है, रबड़ मिला, हमको 5 रुपया मिला, ऐसे नहीं तुलना करना है। सोचना है कि आज हमको ये मिला है, हमको ज्यादा करेंगे तो और सब मिलेगा, ठीक है। और कभी भी तुम लोग को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत होगा तो हम लोग हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि हम लोग समझते हैं कि पढ़ाई क्या चीज होता है, इसीलिए तुम लोग को इस तरह का मोटिवेट होता है। यहाँ पर आते हो तुम लोग पढ़ने के लिए, पढ़ा होता है कि नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि एक ही टाइम में सबको बैठ जाते हैं, हल्ला करते रहते, वैसा नहीं ना, नहीं ना। देखो एक जीवन में क्या है ना कि यहाँ किसी को पैसा वगैरह दिया नहीं जाता, ना लिया जाता, किसी पैसा लिया गया था नहीं ना, तो यहाँ पे सब अपना अपना स्वेच्छा करता है, इसीलिए ये चीज को नहीं, उन लोग को ध्यान से हटा देना है कि हम लोग को पैसा दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, वैसा नहीं, तुम लोग पढ़ा करोगे, जहाँ तुम लोग को लगेगा हम लोग को मदद करेंगे, समझ में आया। जैसे हम पिछले दिन बोले थे क्या नेता हाट वाला, नेता हाट को कोई बच्चा वैसा नहीं मिला, ठीक है, इसका जन्म प्रमाण पत्र हो, अगर वैसा बच्चा होगा तो हम लोग उसको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जितना भी बच्चा है सब पढ़ाई लिखा में ध्यान दो, हर चीज पढ़ता ही नहीं पढ़ता होता है ना, चलो ठीक है, इस टेस्ट के लिए हम लोग कम दिए। बच्चा इतना गाना ना सुनेगा, कौन गाना ना चाहता, बढ़िया हाजी गीत वगैरह बाल दिवस है तुम लोग का, नहीं कविता कहानी चुटकुला बाल दिवस के शुभ अवसर में तुम लोग को हंसी मजाक एकदम अपना जो छिपा हुआ प्रतिभा उसको निकालना था, जो कोई बोलने के लिए सीख रहा है तो तुम ही लोग ना आगे जाके देश को संभालेगा, अच्छा बोलेगा तो नेता बनेगा, अच्छा पढ़ेगा तो आईएएस ऑफिसर बनेगा, अच्छा दौड़ेगा तो पुलिस बनेगा, अच्छा डांस करेगा तो डांसर बनेगा, तो बच्चे लोग ही ना बनता है, तो थोड़ी ना अगला कोई दूसरा बनता है, तो बच्चा लोग का अपना अपना प्रतिभा होता है, कोई ड्राइंग अगर बढ़िया अच्छा बनाता है तो कोई ड्राइंग बनाएगा सुंदर सुंदर तरीका से, ठीक है, तो अपना प्रतिभा को निखारने का प्लेटफॉर्म तुम लोग को मिलेगा ना, तो कहाँ मिलेगा, यही सब एक्टिविटी कर लेते हैं। चलो बोलने का तो बहुत कुछ है लेकिन तुम लोग को बहुत दिन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं, और तुम लोग पढ़ाई प्रत्येक दिन आना है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई घर वाला ऐसा कुछ नहीं बोलता है, घर वाला अगल बगल वाला कि कहाँ जाते हो क्या जाते हो, ऐसा नहीं ना। देखो एक चीज और हम खुलासा यहाँ करेंगे, यहाँ जो हम लोग पता वैसे पढ़ाता था, पढ़ाई के अलावा कुछ हम लोग करवाते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारा धार्मिक प्रचार गलत तरीके से पड़ जाता है, हम लोग इस प्रकार का अगर हम लोग आदमी बोलता है कि साधना ही लोग करता है इस वजह से, तो हम लोग ऐसा कुछ करवाते हैं क्या, हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं किसी तरह, हम लोग हम लोग एजुकेशन को चाहते हैं, पढ़ेगा लिखेगा तो एजुकेशन पे काम करेगा, समझा, तो वैसा हम लोग नहीं बताते हैं ना, हम लोग इस तरह का किसी तरह का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है एक प्रकार का माध्यम बने हुए, हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो कार्यक्रम हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, और जितना बच्चा आया है पूजा सभी बच्चा को दोनों टोपी देना, एक एक यहाँ पे सामान है उसको देना, ठीक है, 14 बच्चा नहीं आया, ठीक है। तो आज का हम लोग जो अच्छा लगा तुम लोग का आज बाल दिवस बिरसा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे तुम लोग इकट्ठा हुए और टेस्ट भी दिया, एक दिन हम लोग टीम को काम किए, पहला टेस्ट का रिजल्ट मिला, दूसरा चीज बाल दिवस मनाए, तीसरा चीज बिरसा जयंती मनाए और झारखंड स्थापना दिवस मनाए, ठीक है, बहुत सारा कार्यक्रम हो गया, तो इसी जगह हम लोग कार्यक्रम को समापन करते हैं। तुम लोग आराम से जाओ।